यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़, इम्पोर्टेंट अपडेट। यहाँ पे आप एकेडमिक ईयर 2021 और 22 में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2021 और 22 को आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी स्कीम जो भी होगी, आप जिस भी स्कीम में अप्लाई करना चाहते हो, लाइक आपका प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या मिड का मीन्स होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स होगा, आप किसी भी क्लास से हो, लाइक फर्स्ट क्लास से लेके 10th से आगे आपका 11th 12th और भी कोई क्लास हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल स्कीम्स में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पे मेरिट का मीन्स। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। बट यहाँ पे उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा जिससे आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, वो पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं और वो कौन से पॉइंट्स है जिनमें आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं अप्लाई करते समय और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है वो भी यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको देते हैं। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, अप्लाई प्रोसेस, लास्ट डेट, हर एक स्कीम का लास्ट डेट क्या होने वाला है, सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, आप चैनल पे पहली बार आए हो, ऐसे स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिले स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पे हम NSP की ऑफिशियल साइट पे है। यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर जाके क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐसा इंटरफेस, इस इंटरफेस पे NSP की ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाओगे, या सिंपली आप गूगल में टाइप करोगे NSP, तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। इस पे आप क्लिक कर लीजिए तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप पहली बार NSP में अप्लाई कर रहे हो या न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, वो भी यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन पे आप जब क्लिक करते हो, फ्रेश 2021-22 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे रिन्यूअल आप अप्लाई करना चाहते हो 2021 और 22 में, यहाँ पे वो भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे फ्रेश 2021 और 22 यहाँ पे फ्रेश में आ गया है। तो सिंपली यहाँ पे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इन पे आप डायरेक्टली जो है टिक कर सकते हो और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लीजिए तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021 और 22, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे वो बताएंगे, इन पे आप जो है ध्यान रख लीजिए। आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिए ताकि वो पॉइंट्स आप मिस ना करो जो पॉइंट्स आपकी स्कॉलरशिप के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको यहाँ पे 101% पेमेंट आ जाएगी, यहाँ पे हम गारंटी के साथ यहाँ पे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट जो है अपना स्टेट करना होगा, जिस भी स्टेट से आप हो, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे देखते हो आपकी प्री मैट्रिक, या यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे देखते हो पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM, ठीक है। फर्स्ट से 10th क्लास में हो, प्री मैट्रिक पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका 11th 12th पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंपली आपका नाम जो होगा एंटर करोगे। उसके बाद आपकी स्कीम क्या होगी, यहाँ पे देखते हो आपकी स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, ये आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका DOB वो एंटर करोगे। उसके बाद आपका जेंडर, ये आपको पता होगा, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे, आपका मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है। मोबाइल नंबर आप जो है एंटर करोगे, आगे जो है आपको OTP आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपका बैंक IFSC कोड, जैसे कि हमने बात की, आपको अगर IFSC कोड नहीं पता होगा, आपका जो भी ब्रांच होगा, आप कहां पे रहते हो, आपका कौन सा बैंक होगा, उस ब्रांच का आप जो है नेम गूगल में टाइप करोगे, आप यहां से भी IFSC कोड ले सकते हो, या सिंपली आप बैंक पे जाके कंफर्म या किसी और से कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहां पे आपको दो बार टाइप करना है। यहां पे ध्यान ये रखना है आपने अकाउंट नंबर सही एंटर किया है, क्योंकि आगे दिक्कत हो सकती है, आगे एक बार आपको चांस मिलता है। बट यहां पे मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये पूरी डिटेल्स बता रहा हूं, आपको इस स्कॉलरशिप में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपके पास आधार कार्ड है, सिंपली यहाँ पे उस पर क्लिक करोगे, या आपका एनरोलमेंट नंबर है उस पर क्लिक करोगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, सिंपली आप बैंक अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट कॉपी अपलोड करनी होगी और उसके बाद जो है आपको बोनोफाइड भी अपलोड करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा। फ्रेंड्स, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे इन तीन ऑप्शंस पे आप टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करोगे
तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ, और फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पे एक एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप वही एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लीजिए, और पासवर्ड ऑब्वियसली आपका डीओ भी होगा, और उसके बाद आप कैप्चा फिल कर लीजिए, और उसके बाद लॉग इन वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लीजिए। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे 5 डिजिट ओटीपी आएगा, यहाँ पे वो आप कॉपी करके जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एसएमएस आया, ऐसे यहाँ पे आप इंटर करोगे कंटिन्यू, जो है कंफर्म ओटीपी पे आप एक बार क्लिक करोगे। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइक आपका पासवर्ड आपका डीओ भी था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है, नया पासवर्ड आपको रखना होगा। तो पासवर्ड जो है यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। तो सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन आईडी देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बाकी डिटेल्स जो आपके होंगे वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल जो ऊपर करोगे, यहाँ पे आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे आपका रिलीजन जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे आप रख लीजिए। उसके बाद आपका फादर्स नेम मदर्स नेम, यहाँ पे एनुअल इनकम, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इंटर कर लीजिए आपकी इनकम जो भी होगी एनुअल इनकम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डे स्कॉलर हो या हॉस्टलर, ठीक है, अगर आप हॉस्टलर हो हॉस्टल में रहते हो तो यहाँ पे हॉस्टल कर लीजिए, या आप जो ऐसे ही जाते हो तो आप डे स्कॉलर रख लीजिए। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट जो होगा, सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको स्टेट आपका स्टेट जो भी होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, जब आप डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट आपका आएगा, यानी कि आप आपका इंस्टीट्यूट जो भी होगा आपका डिस्ट्रिक्ट में वो आप जो है यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जब आप गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्कूल्स आपका कॉलेज आपके यूनिवर्सिटीज वो आएंगे यहाँ पे, वो आप जो है यहाँ पे उस पे ऐसे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, वो यहाँ पे एंटर कर लीजिए, एकेडमिक ईयर आपका एडमिशन ईयर, ठीक है, एडमिशन कब हुआ है वो आए वो यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपका रोल नंबर, आपका सेक्शन, आपका प्रेजेंट क्लास, अभी किस क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, आप रेगुलर हो फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो, वो यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपका प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, यहाँ पे आप कन्फ्यूज ना हो जाए, आज का यहाँ पे क्लास स्टार्ट डेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस कोर्स क्या था आपका, ठीक है, आपका जो भी क्लास था वो यहाँ पे एंटर कर लीजिए। प्रीवियस पासिंग ईयर, आपका प्रीवियस पासिंग ईयर क्या था वो एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपकी परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जो है यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हो तो यहाँ पे एंटर कर लीजिए। आपका टेंथ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको टेंथ क्लास का रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा, बट ट्वेल्थ क्लास का रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर लीजिए। बोर्ड नेम, ऐसे परसेंटेज आपको एंटर करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है गार्डियन नेम, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, आपका फादर, ठीक है, आप मदर या आपका फादर या मदर कोई भी यहाँ पे वो नाम जो है एंटर कर सकते हो। डिसेबिलिटी अगर यहाँ पे कुछ है तो कर लीजिए, नहीं है तो मत कर लीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मार्जिनल स्टेट्स, ठीक है, पेरेंट्स प्रोफेशन, ठीक है, यहाँ पे आपका फादर, ठीक है, आपका फादर जो है क्या करता है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली आप जो है वो यहाँ पे इंटर कर सकते हो। फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लॉक क्या होगा, हाउस नंबर आपका जो भी होगा, ठीक है, आप यहाँ पे हाउस नंबर आपका नहीं होगा, आप जो है अपने विलेज का नाम यहाँ पे इंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड जो है इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप इस पर टिक करोगे, ठीक है, आपकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, और यहाँ पे आपको बोनोफाइड अपलोड करना है कि नहीं करना है वो भी यहाँ पे बताएंगे। सिंपली यहाँ पे पहले बताएंगे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद स्टूडेंट फोटोग्राफ, ठीक है, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन आप माइनॉरिटी, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आप प्रीवियस मार्क्सशीट, ठीक है, आपका प्रीवियस मार्क्सशीट उस पर साइन करके अपना साइन करके यहाँ पे अपलोड करना है। फी रिसेप्ट आप जो है करंट ईयर का चाहिए, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए, उसके बाद प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, उसके बाद बोनोफाइड यहाँ पे बोनोफाइड आपको चाहिए। तो आपका फी अगर 50,000 से कम है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बोनोफाइड जो है यहाँ पे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपके सामने ये बोनोफाइड आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, डीओ भी होगा, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट का ऑप्शन है, आप फोन से भर रहे हो तो इसको सिंपली आप जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हो।
तो यहाँ पे उसके बाद फाइनल सबमिट करोगे। बट फाइनल सबमिट करने से पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे बोनोफाइड इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका बोनोफाइड, ठीक है। आप अगर फाइनल सबमिट ऐसे ही करोगे, यहाँ पे देखते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, प्लीज अपलोड बोनोफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट। आपको बोनोफाइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है अपलोड करनी है, वो हमने प्रोसेस बताई, यहाँ पे आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में इसको प्रिंट आउट कर लीजिए, इंस्टीट्यूट पे ले जाके आप इसको स्टैम्प जो है वहां पे कर लीजिए और यहां पे अपलोड पे क्लिक कर लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है और उसके बाद फाइनल सबमिट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखते हो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप, यहाँ पे देखते हो आपका एप्लीकेशन आईडी, आपका स्कॉलरशिप नंबर, यहाँ पे डीओपी, यहाँ पे आपके डिटेल्स, सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको प्रिंट आउट करना है, ये जो आपका पेज है हार्ड कॉपी इसकी, और आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे आपको अपने इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे डाल के आपको सिंपली जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप 100% मिल जाएगी। जो जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स उनको आपने फॉलो किया होगा, स्टेप बाय स्टेप आपने यहां पे जो है डिटेल्स जो है एंटर किए होंगे, तो सिंपली आपको 101% यहां पे पेमेंट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कराना, बोलेगा चैनल पर पहली बार आओ, ऐसे स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।